ग्वालियर में शराब के नशे में धुत तीन युवकों ने पुलिस चौकी के बाहर एक निजी अस्पताल के गार्ड के साथ मारपीट की। फूलबाग पुलिस चौकी का यह मामला है। युवकों ने गार्ड को पुलिस चौकी के अंदर घुसकर भी मारा। उस समय चौकी में कोई भी पुलिस कर्मचारी मौजूद नहीं था। गुंडों को नहीं पुलिस की परवाह। पहले पुलिस चौकी के बाहर पीटा, फिर पुलिस चौकी के अंदर पीटा। क्या कर रही है पुलिस? जब पुलिस चौकी में सुरक्षित नहीं तो कहां होंगे हम सुरक्षित? जी हां, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, बल्कि यह हकीकत है ग्वालियर के बीचों बीच फूलबाग चौराहे की। कैसे कुछ गुंडे एक निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड संदीप की ताबड़तोड़ पिटाई कर रहे हैं, जब ये युवक अपनी जान बचाने के लिए सामने की पुलिस चौकी में घुसा तो गुंडों ने वहां भी उसे नहीं छोड़ा। पुलिस चौकी के अंदर भी जमकर पिटाई की। इन गुंडों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं। मारपीट का ये दौर काफी देर तक चलता रहा। पीड़ित युवक अपनी जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाता रहा, बदमाशों से भी रहम की अपील करता रहा। एक पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए आया भी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सका। बाद में आम लोगों ने साहस दिखाया और इस युवक को बचाया। एक आरक्षक था, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। पुलिस चौकी में बहुत मारा, वो जनता हावी हो गई उनपे, तो मैं बच गया जैसे तैसे। आज मेरा राम नाम सत्ता था। फिल्मी कहानी की तरह थाने में और पुलिस बल भी आ पहुंचा, लेकिन तब तक पीड़ित संदीप इस कदर पिट चुका था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दरअसल संदीप जैन अपनी ड्यूटी करके लौट रहा था। रास्ते में उसने झगड़ा कर रहे लोगों में बीच बचाव करने की गलती कर दी। बदमाश अपनी लड़ाई भूलकर संदीप से शराब के लिए पैसे मांगने लगे और पैसे न देने पर उसकी ये हालत कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना के वक्त पुलिस चौकी में पुलिस बल क्यों नहीं था? उससे पैसे मांगने पर से मारपीट हुई शराब के लिए। तीन बदमाश थे, मनोज उपाध्याय, मनीष और अनिल, इनको अरेस्ट किया गया। इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड। ज्यादा मारपीट की है चौकी जाने के लिए तो फोर्स नहीं था? फोर्स था, चौकी पे हमेशा फोर्स रहता है। एक स्थानीय कार्यक्रम में फोर्स एक्चुअली गया हुआ था के लिए। तत्काल खबर मिली तो फोर्स के द्वारा उनको पकड़ कर थाने ले जाएगा। सवाल प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के डीजीपी से है, क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पुलिस पर गर्व कर सकते हैं? कैसी पुलिस के भरोसे आप प्रदेश की जनता को सुरक्षा का भरोसा देते हैं? इस नजारे से ये तो साफ हो गया कि कोई भी बदमाश जब चाहे जहां चाहे किसी की भी पिटाई कर सकता है। विनोद शर्मा, सहारा समय, ग्वालियर।